हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोग को सूजी और आलू से बहुत ही अच्छा नाश्ता बना के दिखाऊंगी जो बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है। उसके लिए चाहिए मुझे 1 कप सूजी, आधा कप दही। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, खट्टा होने से इसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। और ये 1 आलू बॉईल करके इसको मैश करके रखी हूँ। और चाहिए गाजर, शिमला मिर्च, मटर, थोड़ा सा प्याज, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता। चाहे तो आप इसमें और भी सब्जी ऐड कर सकते हैं जो आपके पास हो। मेरे पास इतना ही था सो मैं इतना ही डाल रही हूँ। पहले डालेंगे इसमें 1 कप सूजी, फिर डालेंगे इसमें आधा कप दही और इसको अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें पानी डालेंगे। इसका बैटर को जैसे इडली का रहता है सेम उतना ही गाढ़ा होना चाहिए। इसमें पानी मिलाएंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके मिलाइए। एक ही बार में डालने से क्या है, पतला हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा नमक मिलाएंगे। और इसको साइड में ढक के रख देंगे। साइड में ढक के रख देंगे और इसके अंदर जो फिलिंग भरेंगे, जो मसाला भरेंगे उसको तैयार करेंगे। ये मसाला, ये जो नाश्ता बना रही हूँ ये बहुत ही कम मसाला और कम तेल में बनेगा। ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है। बच्चे वैसे भी सब्जी नहीं खाते हैं तो आप इसको अपने मनपसंद सब्जियां डाल के बना सकते हैं। 2-3 चम्मच तेल, मैं सरसों तेल इस्तेमाल करती हूँ। आप लोग जो तेल खाते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, घी से भी बना सकते हैं। इसमें डालेंगे सरसों और जीरा। थोड़ा सा हींग, फिर इसमें डालेंगे हरी मिर्ची। ये मैं 1 हरी मिर्ची ली हूँ, आपको जितना चाहिए आप उतना लेके खा सकते हैं। हम तीखा कम खाते हैं, कम डाल रहे हैं। फिर ये प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज है। फिर इसमें करी पत्ता डालेंगे। इसको मैं बारीक बारीक काट के डालूंगी, आप ऐसे भी डाल सकते हैं। बारीक बारीक काट के डालने से ये मुंह में नहीं आएगा खाते टाइम, और करी पत्ता खाना तो बहुत ही अच्छा होता है। प्याज को थोड़ा सा हिला लेंगे, हल्का सा भून लेंगे इसको, ज्यादा नहीं फ्राई करेंगे। फिर इसमें डालूंगी मैं गाजर, गैस को थोड़ा कम करेंगे। गाजर को अच्छे से फ्राई कर लीजिए क्योंकि ये थोड़ा पकने में टाइम लगता है। गाजर शिमला मिर्च बहुत जल्दी पक जाता है। 2 मिनट इसको फ्राई करेंगे, फिर इसमें शिमला मिर्च डालेंगे और साथ में मटर भी डालेंगे। इसमें आप बीन्स भी डाल सकते हैं, फूलगोभी भी डाल सकते हैं छोटा छोटा कर हिसाब से। बस ना हो तो आप इसमें मूंगफली के दाने भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। अब इसमें नमक डालेंगे, नमक अंदाजे से डालेंगे क्योंकि सूजी में भी नमक लगा हुआ है। दो
गैस को कम करके इसको 5 मिनट पकाएंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसको बच्चे के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बना के बच्चे इसको बड़े चाव से खाएंगे। ये थोड़ा अदरक और लहसुन और एक हरी मिर्ची इसका पेस्ट है। अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट थोड़ा सा, ढक के पकाएंगे। थोड़ा पक जाएगी सब्जी, पूरा नहीं पकेगा, हल्का सा पक जाएगा तो फिर इसमें मैं मसाला डालूंगी। कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखा नहीं होता है, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और ये थोड़ा सा काली मिर्ची पाउडर। अब इसमें ये मैश किया हुआ आलू डालेंगे। एक दो टेबल स्पून इसमें पानी डालेंगे। एक दो टेबल स्पून पानी डालेंगे ताकि आलू और ये सब्जियां पूरा मिक्स हो जाए और इसको आलू को पूरा अच्छे से मैश कर देंगे। अब इसमें थोड़ा गरम मसाला डालेंगे। अब इसमें धनिया पत्ती भी डाल सकते हैं, अभी मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं डाली हूँ। आप इसमें धनिया पत्ता जरूर डालिए, इसमें टमाटर वगैरह डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि सूजी में हम दही डाल रहे हैं, दही तो खट्टा होता ही है, उसमें बैलेंस हो जाएगा। तो 5-6 मिनट ऐसे ही पकने देंगे ताकि एक दूसरे से आलू और सब्जियां थोड़ा मिक्स होके पक जाए। जब तक सब्जी पक रही है तब तक मैं आपको खीरा और दही का आटा बनाना बताती हूँ जो इसके साथ हम खाएंगे। ये दही है, जितना आपको चाहिए जितना बनाना है उसी अंदाजे से आप दही ले लीजिए, अच्छे से फेंट लीजिए और उसमें ये खीरा, एक खीरा में धो के छिल के धो के कद्दूकस करके रखी थी ये डाल देंगे। ये भी खाने में काफी टेस्टी लगता है। इस पे थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे, जरा सा मिर्ची पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर। थोड़ा नमक, वैसे ज़्यादा खट्टा नहीं है, बैलेंस हो जाएगा। इसको हम ढक के रखेंगे साइड में और सब्जी को भेजेंगे। ये बन के तैयार है, अब इसको ठंडा करेंगे। अब इसको प्लेट में निकालेंगे। ठंडा होने देंगे,
पूरी तरह से ठंडा होने देंगे इसको। ये जो हम बना के रखे थे सूजी और दही का बैटर, इसको ये तो घना हो गया, इसमें थोड़ा और पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये बिल्कुल इडली के बैटर जैसा होना चाहिए, जैसे हम इडली बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। ये बन के तैयार है बिल्कुल। तो 10 से 15 मिनट आप इसको ऐसे भिगा के रखिए, फूल जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा। इसको डालेंगे, ये 1/4 चम्मच है। अब इसको हम बनाएंगे। मैं नॉनस्टिक के तवा में बना रही हूँ। अगर आप लोग के पास नॉनस्टिक तवा नहीं है तो आप इसको लोहे के तवा में बना सकते हैं। उसके लिए आप तवा को पहले हाई फ्लेम में गरम कीजिए, फिर उसमें 2 चम्मच तेल डाल के उसको फैला दीजिए, फिर उसको टिश्यू से या किसी कपड़े से पोंछ लीजिए, फिर उस पर पानी का छींटा मार के तवा को नॉर्मल कीजिए, फिर उसमें 1 चम्मच तेल डाल के इसको डाल के बना लीजिए। उसमें भी चिपकेगा नहीं, आसानी से बन जाएगा। डालूंगी इसमें मैं 1 चम्मच। गरम होने दूंगी अच्छे से, ये गरम होना जरूरी है। अब इसमें मैं बैटर डालूंगी। गैस को बिल्कुल कम कर देंगे। फिर उसको ऐसे पकने देंगे भाप में। थोड़ा सा पकने लग गया, अब इसमें ये फिलिंग को डालेंगे। इसको ढक के 2 मिनट उसको ऐसे सेट होने देंगे। फिर इसमें ऊपर से एक लेयर डालेंगे, इसको ज्यादा मोटा नहीं डालेंगे, पतला पतला डालेंगे, सिर्फ ये मसाला ढक जाने तक। पक गए हैं, अब इसको पलटाएंगे। साइड से थोड़ा तेल डालेंगे। इसको धीरे ही कम फ्लेम में ही इसको पकाना है, तेल में जल जाएगा।
धीरे धीरे ये पकेगा, अंदर तक पूरा पक जाएगा। पलटा के इसको सेक लीजिए, ये ऊपर से कुरकुरा और अंदर से सॉफ्ट हो जाएगा। गैस को बंद कर देंगे। प्लेट में निकाल लेंगे, काट देंगे। इसको रायते के साथ